दोस्तों क्या आप भी परेशान हो गए हैं अपनी स्किन का जो ग्लो है वो वापस लाने में? तो आज मैं दही से आपको एक ऐसी फेस पैक की रेमेडी बता रही हूँ जो आपकी स्किन को ना सिर्फ स्पॉट्स को दूर करेगी बल्कि पिगमेंटेशन को भी कम करती है, और इसको अगर आप रोज़ लगाते हैं तो आपका जो स्किन है उसके ग्लो को बढ़ाने में ये बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है तो इससे आपका जो फेस है वो ग्लो भी बढ़ता है और दूसरा स्पॉट्स को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। दूसरी रेमेडी हम इसमें डाल रहे हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी का आप कोई भी पाउच ले लीजिए और 2 चम्मच दही में आप कॉफ़ी को डाल दीजिए। दोस्तों जो कॉफ़ी होती है एजिंग साइंस होती है, मतलब कॉफ़ी आपकी एज को कम करने, कहने का मतलब है अगर आपको रिंकल्स हो रहे हैं, झुर्रियाँ हो रही हैं, उनको कम करता है, कॉलेजन को बहुत इम्प्रूव करता है जिससे आपकी स्किन टाइट ग्लो दिखे, और जो टैनिंग होती है उसको कम कर देता है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो इससे आपकी जो स्किन है उसका ना सिर्फ ग्लो बढ़ता है, टैनिंग हटती है, रिंकल्स कम होते हैं, पिगमेंटेशन कम होती है, जितने स्पॉट्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो बाहर के केमिकल को लगाने से अच्छा है आप घर में ये रेमेडीज लगाइए। आपको इनके रिजल्ट टाइम लगेगा मिलने में, लेकिन जब रिजल्ट मिलेंगे तो आप उनको देख के बहुत शॉक्ड हो जाएंगे। इससे एक टाइम बाद क्या होता है, जब हम बाहर कोई केमिकल के प्रोडक्ट लगाते हैं उस समय तो आपको फटाफट से स्किन का ग्लो दे देगा, लेकिन आगे अगर आप कुछ दिनों बाद कुछ मंथ्स बाद देखेंगे तो आपकी स्किन धीरे धीरे डल पड़नी शुरू हो जाती है। ये होता है केमिकल को लगाने से। तो यहाँ पे जो रेमेडी थी इन दोनों को बस मिक्स करना है, 5 मिनट आपको देने पड़ेंगे और अच्छे से आपको फेस पे इसको मसाज करना है। जो हमारी डेड स्किन होती है ना वो तो ये निकालेगा ही निकालेगा, लेकिन इसके अलावा जो आपके फेस का मसाज करके जो एक मॉइस्चर होता है उसको बैलेंस कर देता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई है या नॉर्मल है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो दही होता है वो एक बेस होता है, उसमें मॉइस्चर होता है अच्छा खासा, तो आपको एक ऑयल देगा, नेचुरल ऑयल देगा जो आपकी स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करता है। तो आपको क्या करना है, फटाफट से अपने चेहरे को पानी से वॉश करना है, उसके बाद आपको 2 चम्मच दही में कॉफ़ी को मिक्स करके फेस को ऊपर की साइड पे अच्छे से मसाज करना है, और ये मसाज आपको कम से कम 10 मिनट तो करनी ही करनी है। मसाज करने से आपके जो पोर्सेज हैं वो खुल जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो पिंपल और एक्ने भी हट जाएंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन फेस का या बॉडी का या हेयर्स हों सबके लिए मसाज बहुत ज़रूरी है। तो आप इस मास्क को जब लगा रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट तक इसे मसाज कीजिए। हफ्ते में 3 बार लगाइए, कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। और उसके बाद पानी से, नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। आप ट्राई करके देखिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।